दिख जाए मान पत्र मार जाए अब यू दंगू आ जाएगा। अधिकारी बाद में मिलेंगे आप। ईश्वर अपने आप आपको अधिकारी अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप दूरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऑफर चल रहा है तो सारे कोर्सेज के ऊपर भारी छूट मिली हुई है, टीचर फर्स्ट ग्रेड आ रहे सभी के लिए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। शुभकामनाओं के साथ
पॉलिटी के पुरोधा आरबीडी में पॉलिटी की बुक जो मैंने भी पढ़ी, आपको कई बार वीडियोस में भी दिखाई, तो आदरणीय गुरुदेव को नमन। सुबह साक्षात परिचय सुने, आपके सारे क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। मुझे इस इंस्टीट्यूट ने यह जिम्मेदारी दी थी कि आरएएस के बच्चों के साथ में जो सेमिनार होगा उसको स्टार्ट मुझे करना है और एंड भी मुझे करना है, तो स्टार्ट को हमने कर लिया आप सबके प्यार के साथ। अब अगले वक्त है हम सबके चहेते, मेरे भी गुरु आपके भी गुरु सुभाष सर। मैडम जी आप हमारी गलाई निकाल रहे हो, थोड़ा सा माइक आवाज सही तो आ रही है, अगर माहौल ठीक बना दियो अब मैं मेरी तनख्वाह बढ़वा लूंगा। विरासत में जो मिली वही मयार बाकी है, सही आ गई क्या आवाज, थोड़ा उसी सही रखी। अधिकारी के रूप में मैडम जी बहुत पोलाइट है, लगता नहीं इनके साथ रह के इतने बड़े अधिकारी है। मैडम जी पश्चिमी जयपुर के पूर्वी जयपुर के लेकर अभी तो यही समस्या पश्चिम के इनपुर के लिए उत्तर के या दक्षिण के थोड़ा सा आवाज कोई लड़का था तालाब में गया, इतना सुंदर था कि उसे देखते देखते इतना मोहित हुआ कि उसकी मर्जी हो गई। हम यूट्यूबरों के नार्सिज्म रोग लगता है, हम कई बार कितनी अच्छी बात है राजस्थान में। मैडम जी का भी यूट्यूब चैनल है, हमारा भी है, आशु जी का भी है, विजय पाल जी का भी, और फिर भी आपस में कोई लड़ाई नहीं, किसी की कोई किसी का हक नहीं मार। मैं देख रहा था तीन चार यूट्यूबर बहुत अच्छे टीचर आपस में लड़ रहे थे, अब मैंने सोचा था चलो देख लेते हैं, नीचे कमेंट देखते हैं। तो मैं कमेंट देख रहा हूँ, प्राचीन समय में अध्यापक बोलते थे बच्चों को लड़ो मत, आजकल बच्चे बोल रहे अध्यापकों से लड़ो मत। ऐसा हिसाब से नीचे मैंने कमेंट देखा, बोल सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब आप लड़ाई जारी रखिए, मैं सब चीजें भूल गया हूँ कौन किसका। इसलिए कहता हूं अच्छी रिजल्ट से पहले कई अच्छी चीजों का चयन करना पड़ेगा आपको, अच्छी कोचिंग का चयन करना पड़ेगा, अच्छी किताब का चयन करना पड़ेगा, अच्छी टेस्ट सीरीज का, अच्छे हॉस्टल का, अच्छी लाइब्रेरी का, और अच्छे दोस्तों की तो सब जरूरी है। उन दोस्तों को छोड़ दो जो आपसे किताबें छुपाते हैं, आपसे नोट छुपाते हैं, कितना पढ़ रहे हैं ये चीजें छुपाते हैं, क्योंकि ये नोट रहता है कि आप लोग हक को ले जाओ, कोई किसी का हक नहीं लीजिएगा। अगर तो सारे सहयोग की वजह से सारे बाकी है कहानी अरे थोड़ा माहौल बनाओ, मैं बढ़ जाएंगे वीडियो दिखा के। और अब जब मैं आए और भी टाइम को कोई भी सोर्स बना लिया तो दर मेरी जयपुर में चाल वही दबाना है उसके अंदर। विरासत में जो मिली वही मयार बाकी है, कहानी खत्म कैसे हो जाए अभी मेरा किरदार बाकी है। कभी कमी आ ही नहीं सकती मेरी इज्जत में, मेरे सर पे बुजुर्गों की दस्तार बाकी है। इतनी जिम्मेवारी आप लोग जो इतना विश्वास करते हो, आपको पता है कोचिंग हमने वहां कर रखी है, नेक्स्ट जो प्लान है वो कॉलेज और स्कूल में मेरा काम चल रहा है, बहुत उनके अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तन करना है। और ये बैठ के समझाए तो आप बताओ कौन मना करे, अरवर भी तीन स्टार बैठे हैं, साथ में कॉन्स्टेबल बैठे, पुलिस का एक अपना अलग रोल है। अभी मैंने भी सबको
एसडीएम का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो वो बता रहे थे कि पुलिस का अपने दिमाग में खोम रहता है, मैं एसडीएम बन गया, कई बार मेरे घर के आगे डिग्गी वगैरह आते तो मैं चौनक से डर जाता हूँ, पुलिस कैसे फिर याद आता है मैं तो एसडीएम वाणिज्य करते तो पुलिस अब इतने बड़े अधिकारी बैठ के समझाए कभी आपको आना पड़ेगा तो भाई हम आपको सेवा देंगे इतिहास की, इतिहास के अंदर खानवा युद्ध से सांगा को बाहर नहीं निकाल के लाऊंगा, इतिहास का आपको वो मैं ही करवा के जाऊंगा मलेगी सिंह, क्योंकि वहां के लोगों का मुझे बड़ा प्यार, यहाँ स्टूडेंटों का प्यार मिला, वहां स्टूडेंट के साथ मुझे लोगों का भी प्यार मिला, उन्हें भी हम नहीं ठुकरा सकते क्योंकि एक नई जगह पे लोगों की बड़ी उम्मीद है वहां भी, तो दोनों जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, आजकल आप तीन चार के साथ कर ले तो मुझे तो रोज नहीं होता, मैडम जी ने मेरे ऊपर डाल दिया था ये 10 मिनट बोला था मैंने भी पढ़ा के तो नहीं, मोटिवेशन देना बड़ा मुश्किल काम है, तो मोटिवेशन मैडम जी अधिकारी के रूप में, अब मैं एक होटल में गया था मैडम जी याद है आपको, होटल के अंदर हम खाना खा रहे थे तो खाना खाते आप जैसे आप देखते हो कई बार आप होटल में जाते हो थोड़ा बहुत बेचारे वेटर से कोई गड़बड़ हो जाए गुस्सा करना शुरू कर देते हो, उस समय वेटर से बेचारे से प्लेट गिर गई थी, अब उस समय आप हो तो आप ये बोला दिखा बारी और मैडम जी ने कहा बेटा लगी तो नहीं यहाँ तक नहीं, मैडम जी गाड़ी में बैठ गए थे याद है मैडम जी गाड़ी में गाड़ी में बैठने बाद मैडम वापस आए उस वेटर को 500 रुपये दे बोले वो बच्चा डर गया था, मैडम जी उस बात से हम बड़ा प्रभावित हुए थे, हमें भी लगा यार हम किन पे रोब चाड़ रहे हैं इन वेटर के ऊपर, अरे क्या रोब दिखाना, एक अधिकारी बन के रोब ये है, पुलिस लाइन में आप जाओ रोब ये, डॉक्टर के पास जाओ आपको लाइन में ना खड़ा, व्यक्ति के नाम से बात करें मैं हर एक व्यक्ति की कोशिश करती हूँ कि पूरा रेस्पेक्ट करूँ और ये आपसे भी उम्मीद करती हूँ अच्छा इंसान सबसे पहले बनना जरूरी है, अधिकारी बाद में बनेंगे आप, ईश्वर अपने आप आपको अधिकारी बना देगा जब आपके अधिकारियों जैसे अच्छे इंसान के गुण आ जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके साथ में लाखों लोग और तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर ने मुझे ही क्यों रैंक 1 दी, रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 5 6 मुश्किल इंटेलिजेंट हो सकते हैं मुश्किल नंबर आए होंगे उनके, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो मेरे ऊपर बरसा है वो मेरे कर्म नहीं थे, वो घरवालों का आशीर्वाद था, वो सारी दुआएं थी जो शायद लौट करके आई थी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं, और कल सर मेरी जेठानी जी की तबीयत थोड़ी खराब थी, सारे 1000 बच्चे एक साथ वही बात सुन रहे होंगे जो इस बुक से या टीवी में दिख रही होती है, डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा आपने जिस समय आप जहाँ बैठे हो आपने उस टाइम क्या ग्रहण किया, दिमाग में यदि ये चल रहा है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ, या आज शाम को पिक्चर देखने कहाँ जाना है, या घर में 5 दिन बाद शादी है तो कौन से कपड़े पहनूंगा, तो आप इनजस्टिस कर रहे हो खुद के साथ, अपने पेरेंट्स के द्वारा दिए गए पैसे के साथ, अपने सपनों के साथ, और आप खुद के लिए खाई तैयार कर रहे हो, तो मैं पहला मंत्र तो यही है जब जहाँ बैठे हो आपके लिए धर्म की परिभाषा मैं अक्सर कहती हूँ वेदों में कहा गया है धर्म क्या है, देश काल परिस्थिति के अनुसार आपकी उम्र के अनुसार जो आपके लिए निर्धारित कर्म है उसको ठीक से करना ही आपका धर्म है, तो यदि आप यहाँ मैं एक अधिकारी हूँ लेकिन यहाँ मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बुलाई गई हूँ, तो मेरा ये धर्म है कि मैं आपको वो सारी बातें बताऊँ जिससे आपकी सफलता में थोड़ी मदद मिल सके, सफलता आपको सुनिश्चित करनी है, तो पहला पॉइंट तो ये कि जब जहाँ बैठे हैं उस समय जो काम करना है वो ठीक से कीजिए, फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहिए, दूसरी बात ये आई एम नॉट विद इंस्टीट्यूट आई एम विद यू, पीस आप दे रहे हो उससे इंस्टीट्यूट चलेगा, तो आपको यदि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो पोलाइटली टीचर से रिक्वेस्ट करें कि सर या मैडम ये समझ में नहीं आया कृपया इसका एक और उदाहरण बता दें, ऐसे नहीं गुरुजी केस बताओ मेरे मंत्र द्वारा बताओ, दिस इज नॉट द वे टू रिक्वेस्ट अ टीचर, पोलाइटली आप कहेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, फिर भी समझ में नहीं आए तो अपने साथी से पूछिए उसको समझ में आया तो आपको आगे आएगा, फिर भी मैनेजमेंट से बात कीजिए, यू वंस अगेन इट इज यू जी yeah.
और इनका दूसरा परिचय ये है कि मेरे छोटे भाई हैं। एक व्यक्ति को जीवन में तीन पौ की आवश्यकता होती है, परिवार, प्रतिष्ठा और पैसा। पैसा कितना भी सबसे पहले तो ओजस्वी वाणी आरएस प्रोपर गुप्ता दीदी जिन्होंने आरएस प्रशासनिक क्रांति में इसको कहूंगा पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसी क्रांति। अब तक आरएस का जब देखा होगा आपने आरएस के टॉपर भी खूब आए हैं, पर दीदी ने जो पूरे राजस्थान के अंदर बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, हर बैकग्राउंड के बच्चे चाहे वो ग्रामीण अंचल से है चाहे वो शहरी अंचल से है वो किस तरह से आरएस की तैयारी कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे अपना चैनल बना के पूरी जो भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है उन सबको जोड़ा है, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब आज जो इनोवेशन प्रोग्राम है आर्यवर्त का और मुझे स्पेशली बुलाया इसके लिए मैं बहुत अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस ओकेजन पे बुलाया गया। और सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या मेरा बैकग्राउंड रहा है उससे शायद आप कोरिलेट चीजें कर पाए। आरएस 2018 की वैकेंसी पूरे राजस्थान में मेरी 46 रैंक और 46 रैंक के बाद फिर मुझे आरपीएस मेरी सेकंड चॉइस थी तो मुझे आरपीएस मिला। इससे पहले का बैकग्राउंड में बताऊंगा ताकि आप जो ग्रामीण अंचल के बाकी विद्यार्थी हो शायद मुझसे कोरिलेट कर पाएंगे मेरा क्या बैकग्राउंड रहा यहां तक आने में, मैंने किस तरह से जो है क्या क्या फेसेस किए वो सारा मैं आपको कोरिलेट करूंगा। अलग अलग पुलिस में रोक ले सकता सर हरियाणा से मुकेश जी कपिल जी और रामी से सही मुझे कंफर्म है इनका सिलेक्शन पक्का है। आ जाओ भाई अभी कॉन्स्टेबल पद पे है और गुरु जी हमारी पॉलिटिकल की किताब है रियलमी बहुत अच्छी, अभी मैंने पॉलिटिकल पढ़ाई थी पूरी इंजीनियरिंग की कॉपी के लिए पढ़ाई थी उस तब मैं नहीं बताया था क्योंकि मारा हुआ है तो दूसरे की बताता है जीत जाएगी। कई बार लालच आने लगी गुरु जी साहब किताब रियलमी बहुत अच्छी किताब थी अच्छी किताब अच्छा मैटर लिखा है आपने और बाकी ऐसा ही सिलेक्शन है। कहानी खत्म कैसे हो जाए अभी मेरा किरदार बाकी है कमी आ रही है।
बुजुर्गों की दस्तार बाकी है।